नमस्कार, सत श्री अकाल। देखो दोस्तों, आज बारिश का दिन है और बारिश वाले दिन भी वो रोगी आया है जो खुद चल फिर नहीं पा रहा था और उसको डॉक्टर ने क्या कहा था कि घुटने बदला लीजिए, आपके घुटने नहीं चल पाएंगे। आज करिश्मा आयुर्वेद ने किया है, आपके सामने आंटी को चला के दिखाएंगे जिनके घुटने बहुत ज्यादा दुखते थे, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। बट अब लगभग आयुर्वेदिक 2 महीने ट्रीटमेंट कराने के बाद आप खुद पूछिए, खुद जानिए कि क्या आराम है। बताइए मैडम, बताइए माता जी, अपना नाम बताइए सबसे पहले। छल्या देवी जी हैं, हिमाचल से। हाँ, आप बताइए। मेरी पहले हड्डियाँ टकरानी है, इसके बाद टकराने से बाद मेरी हड्डियाँ ठीक हो गई। हड्डियाँ टकराती थी घुटनों में दर्द होती, बोल चल नहीं पाई मैं बिल्कुल, ठीक है, छड़ी से जलती थी, ठीक है। अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं उंगलियाँ उठा सकती है, घर का थोड़ा मोटा काम कर देती है और अभी मुझे इतनी दर्द नहीं है। ठीक है, और आप चल फिर पा रहे हैं और सब कुछ इसको भी उठा देते हैं, गुड़िया को छोटी। हाँ, मैं इसको कैसे सुनाऊंगी, अभी इसको ना लाती है। हाँ, तो गुड़िया है छोटी जिसके कारण जिसको उठाना बड़ा मुश्किल लगता था, अब इनको उठा भी लेती है, चल फिर भी पाती है। और उसके साथ साथ इनकी बेटी भी आज हमारे पास है, जिन्होंने इनको बताया कि हमारे पास लेके आए, क्योंकि इनके फादर साहब भी ले रहे हैं ट्रीटमेंट हमारे से। वो बताएंगे कि इनको हमारे बारे में पता कैसे चला और क्या क्या इन्होंने चेंजेस महसूस किए अपने मदर में। बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम याचना है। 2 साल पहले थोड़ा ठीक भी था, ये जैसे कॉलोनी के राउंड लेते थे, चलते भी लेते थे, लेकिन इस साल दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। पहले तो हमें था कि खेतों में काम करने की वजह से वो दिक्कतें हैं, लेकिन इस साल तो वो भी नहीं था। बुढ़िया की मम्मी हमारे साथ शिफ्ट हो गए थे धर्मशाला से, और यहाँ आने के बाद वो दर्दें बहुत बढ़ गई थी। हमने चेकअप करवाए, पहले हमें काम कुछ और लगता था, अब यहाँ आने के बाद काम कुछ था नहीं इधर, लेकिन फिर भी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे मम्मी बताते थे कि चलते हुए हड्डियाँ टकराती थी, फिर हमने सुहाना में भी दिखाया तो उन्होंने हमें कहा कि इसका इलाज सिर्फ घुटने चेंज करवाना ही है। तो हमने बहुत लोगों से इसका फीडबैक लिया, इवन डॉक्टर से भी लिया, होम्योपैथी के डॉक्टर से भी हमने इनके बारे में फीडबैक लेना चाहा कि घुटने चेंज करवाने से उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इनको क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमने आपस में फैमिली में यही डिस्कस किया कि हम लोग चेंज नहीं करवाएंगे घुटने। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात कर रखी थी कि इस तरह से मेरी मम्मी मदर इन लॉ को काफ़ी दिक्कत चल रही है। तो मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं, वो डॉक्टर साहब के यहाँ पे पहले से ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उनको काफ़ी आराम था। उनका पहले ट्रीटमेंट PGI चल रहा था, तो वहाँ की मेडिसिन जो थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी पापा के लिए, तो वो उसको बंद करना चाहते थे और आयुर्वेद में शिफ्ट करना चाहते थे। तो जब उन्हें काफ़ी आराम मिला तो उन्होंने हमें बहुत फोर्स किया कि आप वहीं जाओ, वहाँ सर के पास इसका इलाज ज़रूर होगा। जब हम मम्मी को यहाँ पे लेके आए तो हम थोड़े से स्केप्टिकल थे कि पता नहीं क्या रहेगा, बट फिर भी हमें था कि कुछ तो अच्छा रहेगा। फिर हम खुद ही मम्मी से पूछते थे, पूछना भी क्या, हम खुद देखते थे कि हमने जो मम्मी को छड़ी मंगवाई थी वो अपने आप मम्मी मना करते थे कि मुझे ये नहीं लेनी है, मैं चल सकती हूँ। धीरे धीरे सोसाइटी का आधा राउंड तो लगाया, मम्मी लगाने लगे, बुढ़िया को बैठ के नहला नहीं पाते थे, हमने मेड भी लगाई, मेरी मम्मी बोलते थे कि मैं खुद नहला सकती हूँ, मैं ठीक फील कर रही हूँ। हम लोग इस बार घर भी गए, तभी मम्मी को काम तो लगा ही रहता है, खेतों में काम करना तो किया, उसके बाद चेक किया खुद को कि ठीक हूँ मैं, मुझे वैसी दर्द महसूस नहीं हुई जैसी हर बार होती थी। तो इस बार मम्मी को खेतों में काम करने के बाद भी वो दर्द कम महसूस हुई। तब हम आगे हमारी मेरी ननद भी है, उनकी पीठ में दर्द काफी है, तो हमें इतना सर पर भरोसा हो गया कि दीदी हर जगह घूम आए हैं, उनकी पीठ की दर्द नहीं गई, तो हमने उनको भी सर के पास ही उनको रिकमेंड करना है। तो काफी अच्छा इफेक्ट रहा है। यही है आयुर्वेद का करिश्मा। डॉक्टर कहते हैं घुटनों का तो हड्डी जो कार्टिलेज घिस गई खत्म, और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो फिर भी हमें अगर इलाज मिल जाए तो और क्या चाहिए।
और उसके साथ साथ देखिए, आपने देखा कोई हार्ट पेशेंट ठीक हुआ, हार्ट पेशेंट से ऑस्टियो वाले पेशेंट आए, उनके घुटने ठीक हो रहे हैं। आयुर्वेद के अंदर रोगों को जड़ से मुक्त कराने की क्षमता है दोस्तों। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में ही एक ऐसी ताकत है जो आपके हर रोग को ठीक कर सकती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनको भी घुटने में दर्द है वो आंस ना छोड़ें, उनके घुटनों की प्रॉब्लम सदा के लिए ठीक हो सकती है। बस आपको आशा रखनी है, आयुर्वेद के भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि साइड इफेक्ट तो कोई होगा नहीं, इफेक्ट ही इफेक्ट आएगा। इसमें आते हैं साइड बेनिफिट्स जो सिर्फ आप ही को मिलने हैं, और आप ही की तबीयत और आपकी हेल्थ ही ठीक होनी है। सबसे मेन बात, पेन किलर्स नहीं खाने हैं दोस्तों। फिर से एक ये मैसेज दे रहा हूँ, आपको कोई तकलीफ महसूस होती है आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको तकलीफ हमारी दवाई से ठीक होगी कि नहीं होगी। इसके साथ साथ और बड़ी खुशखबरियां और वीडियोस और लेके आएंगे, आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।